हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का पार्ट फर्स्ट। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। और जो मेरे दोस्त अभी तक हमारे चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबाकर के चैनल के साथ में जुड़ जाइए ताकि आगे आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी वो आप तक पहुंच सके। और जब आप इस रेड कलर के बटन को दबा लेते हैं तो एक बेल आइकन आती है, बेल आइकन ऑन होने के बाद में कुछ ऐसी हो जाती है, तो इस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर ले। देखिए, रेलवे की मैं कंप्लीट प्रिपरेशन आपको करा रहा हूँ। अगर कोई बच्चा सीरियस है, रेलवे का फॉर्म भरा है, लोको पायलट हो चाहे ग्रुप डी हो, तो आप चैनल के साथ में जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि रेलवे के लिए मैं बिल्कुल कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहा हूँ। मैथ की वीडियो आपकी 11 से 12 के बीच में अपलोड करता हूँ, शाम के टाइम रीजनिंग जीके करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करता हूँ, और प्लस रात को आपका लाइव टेस्ट होता है 10 बजे रात को लाइव टेस्ट होता है, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट। ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ यार, शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें वीडियो को, तभी मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। रोज वीडियो लेके आ रहा हूँ कंटिन्यूटी के साथ में, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट भी किया करें मुझे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। सिंपल इंटरेस्ट बहुत सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। आज तो इस वीडियो में मैं आपको इजी से क्वेश्चन कवर कराने वाला हूँ, लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो ये वीडियो को एंड तक तो जरूर देखिएगा। प्लस आज मैं आपको इस फॉर्मूले से जितने भी क्वेश्चन सोल्व होते हैं वो सारे कवर कराने वाला हूँ। ये फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, ज़्यादातर बच्चों को, SI निकालने के लिए P × R × T, यानी कि प्रिंसिपल और रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों चीज़ को, और 100 से भाग कर देते हैं, तो क्या निकल के आता है? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रिंसिपल को, हिंदी में बोलते हैं मूलधन, रेट को बोलते हैं दर, और टाइम को बोलते हैं समय। और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और गुणा कर दो 100 से, तो आपका आंसर निकल के आ जाता है। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रफुल्ल ने 750 रुपये की राशि उधार ली, बताओ 8% साधारण ब्याज की दर से वह 2 वर्ष के अंत में कितना ब्याज अदा करेगा। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ इस फॉर्मूले को रखना, मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इस फॉर्मूले में रखना है। सबसे पहले हम प्रफुल्ल के पास जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो कितनी है? 750, वो रख दो। फिर 8% की दर से उसने ये उधार ली है, यानी कि 8% की जो ब्याज दर है वो 8% है, तो रेट कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। और कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए, तो 2 से गुणा कर देंगे। और इन सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद भाग कर दो 100 से, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, जो यहाँ पे ये निकल के आएगा। ठीक है, अब अभी आपको सब कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, जितना कट हो सकता है कट कर लो, क्योंकि जितनी सिंपल कर सकते हो क्वेश्चन को सिंपल करने की कोशिश किया करें। जैसे 25 से कट जाएगा 4 बार, ये 25 से कट जाएगा 30 बार, फिर 4 से कट जाएगा 8 2 बार, तो कितना बचेगा? 30 × 2 × 2, तो कितना हो जाएगा? 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, तो ऐसा ही कितना निकल के आ जाएगा? 120। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसा ही तो आप ऐसे निकालते हैं। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। जब इसके आप 10 से 12 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप इस फॉर्मूले को ना ही लिखेंगे और ना ही इस सिक्वेंस में लिखेंगे, ठीक है। देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर आपको परसेंटेज आती है निकालनी, तो ये परसेंटेज ही तो निकाली हमने, अभी इस 2 को छोड़ दो, तो 750 की 8% ही तो निकाली हमने यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे होंगे 750 का 8% निकाला तो कितना आ जाएगा, ठीक है। और ये फिर क्या कर दिया हमने, 850 का ये निकालेंगे 8%, कितना आ जाएगा? 60, ठीक है, 60 निकल के आ गया। अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जितना पहले ईयर में लग गया, वो चाहे जितने ईयर की बात की जाए, सब में सेम लगता चला जाएगा, यानी कि 60 पहले ईयर में लगा, तो 2 ईयर की बात की गई तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दी, तो आंसर आ गया आपके 120। तो सिंपल इंटरेस्ट से आपसे क्या समझे, अगर 60 पहले ईयर में लग गया तो दूसरे ईयर में भी 60 होगा, तीसरे ईयर में भी 60 होगा, चाहे जितने ईयर की बात की जाए उतने ईयर में ही 60 लगता चला जाएगा। और देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं जो नेक्स्ट कल नहीं परसों लेके आऊँगा कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है, कल तो सिंपल इंटरेस्ट ही चलेगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम रहती है कंपाउंड इंटरेस्ट में, नहीं रहेगी, ठीक है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत सिंपल है, आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके कल बहुत सारे क्वेश्चंस में लेके आना हूँ, तो इंपॉर्टेंट रहने वाले जो आपके एग्जाम के लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 1500 रुपये की राशि किस साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए, ध्यान से देखिएगा, ताकि 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज 180 रुपये हो जाए। तो यहाँ पे क्या चीज़ नहीं दी गई हमें, या देखिए, प्रिंसिपल अमाउंट भी दे दिया, वर्ष भी दे दिया, और जो साधारण ब्याज है वो भी दे दिया, तो निकालना क्या है? रेट निकालना है, रेट। तो आपको फिर वही फॉर्मूला बिल्कुल अप्लाई करना है, ठीक है,
एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब जो चीज़ें दे रखी हैं वो लिख लो, एस आई दे रखा है 180 लिख लिया, पी दे रखा हमें 1500 ये भी लिख लिया, आर हमें नहीं दे रखा तो आर को वैसा का वैसा लिख लेंगे, कितने ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए, 3 ईयर लिख लिया और भाग कर देंगे 100 से। ठीक है, अब जो कुछ कट हो सकता है कट कर दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी तो कितना बचेगा इधर 180 और 15 3 45, तो 45 आर बच जाएगा। ठीक है, अब इस 45 को 180 को भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4%, और ये आर निकल के आ गया 4%। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालने को बोल दे वो तो बहुत सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता जैसे मैंने पहला कराया। आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये चीज़ें दे दिया, आर पूछ लिया जाए तो आपसे आर पूछा जाए तो आप आर निकाल सकते हैं, पी पूछा जाए अगर पी नहीं दिया तो पी को छोड़ दो, पी निकाला जा सकता है, टी नहीं दिया तो टी को छोड़ दो, जो चीज़ें दे रखी है वो रखो और इसमें से डायरेक्ट निकाल लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका, चंचल ने 1800 रुपये की राशि 5% की दर से उधार दी तो बताओ वह कितने समय में 2160 रुपये हो जाएगी। बहुत सिंपल है ये भी, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। 1800 रुपये की राशि दी यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपका कितना है 1800, और जो आपकी अमाउंट बन गई यानी कि प्रिंसिपल धन प्लस इंटरेस्ट, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 2160। उधार दी तो बताओ यह कितने समय में, कितने वर्ष में ये 2160 बन जाएगी। ठीक है, तो आपका 1800 और 2160 का जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो 1800 और 2100 का डिफरेंस कितना है 360, और 360 आपका आ गया SI। ठीक है, तो हमें SI पता चल गया भाई, ये चीज़ आप समझ गए ना, ये तो थी प्रिंसिपल अमाउंट, और ये प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट यानी कि जो एंड में जो मिलेगा, ठीक है, जो इस प्रिंसिपल अमाउंट पे कुछ एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट है वो मिलेगा, तो वो टोटल दोनों को मिला के 2160 होगी। तो इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो सिंपल इंटरेस्ट ही तो आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, और रेट आ गया 5% का, और जो प्रिंसिपल है वो भी आ गया। तो सब कुछ लिख लो, टी को छोड़ दो, 360 इंटरेस्ट आ गया, प्रिंसिपल हमारे जो मूलधन है वो 1800 आ गया, और रेट कितना है 5%, और टी हमें निकालना है, इसको छोड़ दो और भाग कर दो 100 से। फिर 100 को इससे काटेंगे, जो कट सकते हैं काट दो, सबसे पहले जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन उतनी छोटी बन जाती है। अब डायरेक्ट आप पहले इनकी मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ज़्यादा लंबा पड़ेगा ना, तो ये कट कर सकते हैं तो इसको कट कर दो। फिर अब नीचे कितना बचा 1, अब इसकी हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 360 में 1 की करेंगे तो 360 बच जाएगा। ठीक है, अब इधर कितना बचेगा 18 5 90, तो 90 टी आ गया, 90 टी आ गया, 360 को 90 से भाग कर देंगे तो टी कितना आ जाएगा 4 वर्ष, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, जितने इससे क्वेश्चन बनते हैं ना वो सारे कवर कराने वाला हूँ मैं आज इस वीडियो में, देखते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। तो एक धनराशि 2 वर्ष में बढ़कर 6000 रुपये हो जाती है, यदि उतने समय के लिए उस धनराशि पर 1000 रुपये ब्याज प्राप्त होता है तो सामान्य ब्याज दर ज्ञात करें। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है आप समझ भी नहीं सकते, बहुत सिंपल है। 2 वर्ष में बढ़कर धनराशि कितनी होगी 6000 रुपये, ठीक है, तो ये 6000 रुपये ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, ठीक है, बढ़कर हो गई ना, तो इसमें क्या है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, और उन्होंने इंटरेस्ट जो है ब्याज जो है वो अलग से दे दिया 1000 रुपये, यानी कि इस समय में इस 2 वर्ष के बीच में 1000 रुपये मिला है उसे इंटरेस्ट, ठीक है, तो कितना हो गया 1000 इंटरेस्ट है और बढ़ के कितनी होगी 6000, तो अगर इसमें से 6000 में से 1000 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा भाई, प्रिंसिपल अमाउंट बचेगी ना, और प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हो जाएगी फिर 5000। तो हमारे पास इंटरेस्ट भी आ गया और प्रिंसिपल अमाउंट भी आ गई और वर्ष भी आ गया, पूछा क्या है रेट, तो आराम से निकाल लेंगे, 1000 तो हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, 5000 हो गया प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन, और 2 वर्ष हो गया टाइम, और आर हमें निकालना है तो आर को छोड़ दो ऐसे ही, 0 से 0 कट करो तो कितना बच जाएगा आपका, देखो 50 की 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 100 आर हो जाएगा, इधर कितना है 1000, तो इधर डायरेक्ट इसको 1000 को 100 से भाग कर देंगे तो आर कितना आ जाएगा 10%। ये तो हो गया आपका ये वाला मेथड, ठीक है, अगर इससे भी सिंपल है, बस आपको कुछ भी नहीं करना है, ये 2 लाइन जितनी मैंने लिख, ये मैं आपको लिखने के लिए हर एक स्टेप में लिख करके बताता हूँ, इसलिए थोड़ा लंबा आपको लगता है, अदरवाइज मैं इसको इतने को भी नहीं लिखूंगा और इसका आंसर लेके आ जाऊँगा, ठीक है। एक तो ये यहीं का कट के ER 10% निकल सकता, तो ये कुछ भी नहीं लिखने की ज़रूरत थी।
तो ज़्यादा लंबा क्वेश्चन होता नहीं है, मैं एक एक स्टेप आपको खोल करके बताता हूँ, इसलिए आपको थोड़ा लंबा लगता है। और कल एक दोस्त ने मुझे कमेंट करके कहा कि आप दो वीडियो में ही पूरा चैप्टर ख़त्म कर देते हो। तो मेरे दोस्त उन्हें कह रहे कि कोचिंग में तो एक 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 महीना चल जाता है, तो कोचिंग वाले अगर दो दिन में चैप्टर ख़त्म कर देंगे तो उनकी कोचिंग चल जाएगी क्या, मुझे ये बता दीजिएगा बस कमेंट बॉक्स में। आज कोचिंग वाले वही चीज़ 10 दिन तक कराएंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे, उसी में तुम्हें बोलते रहेंगे प्रैक्टिस करते रहो। तो प्रैक्टिस के लिए मैं भी बोलता हूँ घर पर करो ना जितनी प्रैक्टिस हो सकती है, पर मैं आपको दो वीडियो में वो सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मेरे पास बहुत सारी बुक है, आपको उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ जिस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। तो दोस्त मैं पूरी अच्छे तरीके से आपका कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ा डिमोटिवेट करने वाली बातें थोड़ी कम किया करें, ताकि फिर मेरा भी मन नहीं करता है वीडियो बनाने का अगर ऐसी कमेंट आप करते हैं, ठीक है। तो देखिए दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ इसका। आप एक बात बताइए, 1,000 रुपये 2 वर्ष में मिले तो 1 वर्ष में कितना मिलता होगा, 500 रुपये। हर वर्ष उसे 500 रुपये इंटरेस्ट के मिलते होंगे। हमारे पास 500 रुपये कब आएंगे, ये 500 रुपये 1,000 रुपये, तो इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 5,000, ठीक है। 5,000 पे हमने कुछ परसेंटेज निकाली होगी तो तभी तो 500 रुपये निकल के आए होंगे, ये बताइए आप मुझे। तो 5,000 आर लिख लेंगे हम यहाँ पे, 5,000 और आर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, अब बस आर निकल जाएगी, इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आर, और 50 से इसको काटेंगे तो तब भी तो 10% निकल के आएगा आपका आंसर। तो ये कुछ आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बहुत मेथड है इसके करने के, सिंपल से सिंपल है, आपको जैसा मन करे वैसे आप ट्राई करिएगा। थोड़ी प्रैक्टिस आप खुद किया करें, जितनी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे उतना ही आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपको बहुत ईजी तरीके से मैं बताने वाला हूँ। कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो बताओ वह कितने वर्ष में चौगुनी हो जाएगी, यानी कि 4 गुना हो जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन को आप पता नहीं किस मेथड से करेंगे कि आपका बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है, पर मैं जैसे बताऊंगा 2 सेकंड भी नहीं लगेगी, ठीक है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। 2 गुनी हो जाती है 5 ईयर में, 3 गुनी हो जाती है, फिर नेक्स्ट 5 ईयर में 4 गुनी हो जाएगी, फिर 5 ईयर में, ठीक है। इन्होंने कहाँ तक पूछा है, बस 4 गुना तक, तो कितना हो जाएंगे, 15 ईयर, 15 ईयर में 4 गुना हो जाएगा। तो इसमें बताओ कितना टाइम लगा आपका। अगर पूछते 5 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी तो एक और ऐड कर देते, 6 गुनी पूछते, 7 गुनी पूछते, तो बस एक एक 5-5 और ऐड करते चले जाते, उनको ऐड करके यहाँ लिख देते, ये आपका आंसर निकल के आ जाता। तो ये शॉर्ट ट्रिक भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, देखिए टाइम सेव करना सीख जाइए आप, बस क्वेश्चन को देखते ही सोल्व कर लेंगे, जितना टाइम सेव कर जाएंगे उतना ही जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि टाइम की बहुत वैल्यू है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो का एंड तक देखा करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको शुरू में नहीं बताने वाला था, क्योंकि शुरू में आपको बेसिक बताया था तभी कुछ हार्ड लेवल के क्वेश्चन कराता मैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तिगुनी हो जाती है, कम ब्याज वाली वार्षिक दर क्या होगी। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई धनराशि है वो 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, ठीक है, और 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो उसमें क्या पूछा है, कम ब्याज वाली वार्षिक दर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 5 वर्ष वाली की बात कर लेते हैं। 5 वर्ष वाली की बात करें तो केस फर्स्ट हमारा 5 वर्ष वाला हो जाएगा। प्रिंसिपल कितनी है, प्रिंसिपल 1 होगा तो अमाउंट हमारी 2x हो जाएगी, तभी तो 2 गुनी हो जाएगी वो, भाई 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 1 होगी तो वो 2 गुनी हो गई होगी, ठीक है। अब इनका जो डिफरेंस आया कितना आ गया, इंटरेस्ट, तो हमारे पास सब कुछ आ गया, देखिए प्रिंसिपल भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, और आपकी ईयर भी आ गया, तो हम फिर वही फॉर्मूला लगा लेंगे। देखिए 1 हमारा इंटरेस्ट हो गया, 1 हमारा प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया आपका टाइम, 5 ईयर हो गया। रेट हमें निकालना है तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 बराबर में 5R आ जाएगा, 5 किस में करेंगे और इसकी इसमें करेंगे, ठीक है, नीचे कर लेंगे तो 5R आ जाएगा, तो इसको काटेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 20%, भाई पहले केस का तो 20% आ गया, ठीक है, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाते रहिए। केस दूसरा है 12 वर्ष का, इसमें 12 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो यानी कि पी अगर हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपका 1 होगा तो अमाउंट हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस कितना आया,
टू, जो ये इनका डिफरेंस आया कितना होगा, ये यही तो इंटरेस्ट हो जाएगा, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर वैसे ही रख लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 2 आ गया, मूलधन हमारे पास 1 आ गया प्रिंसिपल, और जो टाइम है वो कितना है 12 वर्ष, तो रेट हम निकाल लेंगे यहाँ पे। फिर इसको करेंगे सोल्व, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जैसे भी आपका मन करे, तो 100 की 2 में करेंगे तो 200 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 12R, तो 12R को इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 16.66R आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 16 सही 2/6%। तो अब इसमें पूछा है कम ब्याज दर वाली, कम ब्याज की वार्षिक दर कौन सी है, तो कम कौन सी हो जाएगी ये वाली, तो आपको ऑप्शन में ये देख करके आंसर लगा देना है। तो बहुत सिंपल था ये, बस क्वेश्चन था यहीं तक, ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो आप एक सेकंड में निकाल सकते हैं, पूरा सोल्व करके बताया इसलिए थोड़ा टाइम लगा, अदरवाइज 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति कोई धन राशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है और मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात ये दे रखा है 5:2, तो मूलधन व ब्याज दर का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमारा सब कुछ है हमारे पास, ठीक है, तो सबसे पहले आर निकाल लेते हैं, आर निकाल सकते हैं ना भाई, हमारे पास समय भी है, ठीक है, और रेशो में दे रखा है आपका मूल, प्रिंसिपल भी दे रखा है, इंटरेस्ट रेट भी दे रखा है, तो इन सभी चीज़ों से हम निकाल सकते हैं आर को, ठीक है। तो 2 हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, 5 हो गया हमारा मूलधन, क्योंकि मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात दे रखा है ना, और कितने वर्ष की बात की है 5 वर्ष की, और आर हमें निकालना है। एक तो यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या कन्फ्यूज होते हैं कि यार रेशो में दे रखा है अब इसका क्या करें, तो रेशो को ही मान लो जो कुछ दे रखा है, ठीक है, रेशो को क्या दे रखा है आपका मूलधन रेशो में दे रखा है, ब्याज भी आपका रेशो में दे रखा है, तो इनको ओरिजिनल वो ही मान लो, ठीक है, उसको ही मान के क्वेश्चन करो। तो कितना आएगा आपका 5×5=25, तो 25R हो जाएगा इसकी, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, तो 25 को इससे काटेंगे तो R आ जाएगा आपका 8%, ठीक है। अभी R आपका 8% आ गया, तो अब क्या करना है, 100 को प्रिंसिपल देखिए, हमने 100 मान लिया, ठीक है, और आर हमारा 8% है, तो 1/4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 25 और ये 2 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका रेशो आ जाएगा। आशा करता हूँ कि पूरी वीडियो आपकी समझ में आई होगी, अगर समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगर पहली वीडियो नहीं देखी है, पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहा हूँ, अभी तक 20-21 वीडियो अपलोड हो चुकी है, रेलवे की कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहा हूँ, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी से पूछ लीजिएगा अगर कोई चीज़ भी प्रॉब्लम है, और वीडियो देखनी है तो नीचे प्लेलिस्ट में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, रीजनिंग की भी, मैथ की भी, और आपकी RRB की बहुत सारी वीडियोस, तो वो सभी आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें अगर आपको किसी भी वीडियो का PDF चाहिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।